नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में मैं डॉक्टर किशोर घिल्याल आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही दुखद घटना कल भारतवर्ष में घट गई। सीडीएस बिपिन रावत, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई और उनके साथ देश ने काफी अच्छे जवान भी खोए। वो अपनी पत्नी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुए और करीब 14 व्यक्तियों की मृत्यु इसमें हुई। एक बहुत ही दुखद समाचार भारतवर्ष के लिए और सारा देश आज शोकग्रस्त है। और उनकी कुंडली के एनालिसिस को करते हुए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा इफेक्ट था जिससे उनकी मृत्यु के योग बने। और यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि मैं पोस्टमार्टम ज्योतिष नहीं करता हूं। मैं कोई वजह या एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि उनकी मृत्यु इसलिए होनी थी, हो गई वगैरह वगैरह। हम उनके बाद की बात कर रहे हैं कि क्या एक ऐसा कोई सूत्र है जो ये बता रहा है कि क्या ऐसा हुआ है या ऐसी घटना घटी है। और जैसा कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत वाली पत्रिका में भी बताया था आप लोगों को, और क्योंकि हम पोस्टमार्टम ज्योतिष पे बिलीव नहीं करते हैं कि होने के बाद हम उसको साबित करें कि इसलिए ऐसा हुआ, मंगल का गोचर बदल रहा था, ये सब चीजें हर साल होती थी और हर वक्त होती ही रहती हैं। हम सिर्फ उनकी कुंडली से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कल वाकई ऐसी घटना घटी है। तो आइए उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे पहले, और फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक ऐसा योग बना जिसने कल उनको ये मृत्यु दी है। और यहां मैं कुछ एक नई शोध के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा जो मृत्यु होने के बारे में बताती है। तो आज हम सबसे पहले तो ले लेते हैं उनकी कुंडली और फिर उनके विश्लेषण को पकड़ेंगे कि उनकी कुंडली में क्या ऐसा देखने को मिल रहा था। तो ये दोस्तों जो हमारे पास उनकी डिटेल्स आई है उसके अनुसार जो कुंडली हमारे पास बन रही है 16 मार्च 1958 की है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और 8:35 के आसपास पौड़ी गढ़वाल का इनका जन्म रहा है। कुंडली विशेष तौर से मेष लगन की बनी है और जैसे कि आप जानते हैं कि मेष लगन जो होता है वो पुलिस फौज इत्यादि के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर एक बात और भी इंटरेस्टिंग देखने में आई कि लग्नेश बनेंगे मंगल और मंगल उच्च के होकर 10वें भाव में चले गए हैं, जहां सप्तमेश और चतुर्देश की युति उनको मिली है, यानी कि फोर्थ लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड विद लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस एक्सपेक्टिंग लग्न ऑल्सो। और वहां लगन में केतु भी है और केतु को जैसे हम सब जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है ध्वज लेके चल रहा होता है, यानी झंडे से संबंधित ये व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल उच्च के हैं लग्नेश होकर और वो लग्न को भी देख रहे हैं, तो पुलिस फौज के लिए एक आइडियल एटमोस्फियर इनको मिला है। और साथ ही साथ एक और बात भी हम सब जानते ही हैं कि इनके फादर भी बहुत अच्छे फौजी रहे हैं और वो भी लेफ्टिनेंट रहे हैं। और इनकी तो पोस्ट के विषय में आप सब जानते ही हैं, सर्वोच्च पद इनको दिया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा इनको CDS बनाया गया, यानी कि तीनों चार आर्मी के स्टाफ के जो चीफ होते हैं वो इनको रिपोर्ट कर रहे थे। और वर्तमान में इनकी हैसियत बहुत जबरदस्ती आप सब जानते ही हैं। यहाँ पर हम एक बात और देख रहे हैं कि तीनों केंद्र के स्वामी वो 10वें भाव में बैठ गए और लग्नेश होकर शनि दशम में चले गए, नवम में चले गए पिता के घर पे। और ये शनि अगर हम देखें इंटरेस्टिंगली तो वो जो बन रहे हैं वो मूल नक्षत्र के बन रहे हैं और केतु में आ रहे हैं नक्षत्र में, और केतु उनका लगन में है। तो एक प्रकार का राजयोग भी बना और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा एक पावरफुल योग व्यक्ति विशेष के लिए भी बना। और मैं हमेशा कहता हूं कि 10वां मंगल आपको वो सब कुछ देगा जो अनएक्सपेक्टेडली आप दुनिया भर में छाने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो लग्नेश काल पुरुष का भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात देखने में आई है। इनका एक और बड़ा अजीब संयोग सा देखने को मिल रहा है कि जो लग्न का स्वामी बना है नक्षत्र स्वामी, जैसा कि मेरी शोध है जिसमें उन्होंने कहा है कि लग्न नक्षत्र स्वामी की दशा फायदा देती है, उनका स्वामी बनता है यहाँ पर शुक्र। और शुक्र जो है वो लग्नेश मंगल के साथ ही दशम हाउस में बैठ गया है। अब यहाँ से आप बड़ी अजीब बात देख रहे हैं कि इस तरह के जो योग वाली कुंडलियां होती हैं काफी नामी या दमदार कुंडलियां हम कह सकते हैं बन जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके केस में, अगर हम एक और चीज देखने का प्रयास करें कि ये मृत्यु का योग क्यों बना बेसिकली, या मृत्यु इस दौरान क्यों हुई। तो एक सूत्र भारतीय विद्याभवन में 2011 में जब मैं वहां शोध कर रहा था तो आया है कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर से जब कभी शनि का गोचर होता है तो अवश्य ही मृत्यु के योग बनते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर जाना रेयर बात तो नहीं है, क्योंकि शनि 2.5 साल तक रहेंगे, लेकिन हर एक का आत्मकारक एक ही वही ग्रह होगा, उसी के ऊपर से जाना ये थोड़ा सा रेयर बात हो जाएगी। यहाँ पर आत्मकारक ग्रह जो बनते हैं वो, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं राहु को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो आत्मकारक ग्रह यहाँ पर शुक्र बन रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि शुक्र की डिग्री 18 डिग्री है जो सबसे ज्यादा मानी जाती है शुक्र के ऊपर से, अगर आप देखेंगे इस समय बेसिकली। और कुछ लोग शनि का प्रभाव बताएंगे, लेकिन मैं शुक्र के ऊपर से बात कर रहा हूँ कि शुक्र आत्मकारक के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा था। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो शनि जो है जैसे ही
इसके अलावा जेमिनी ज्योतिष के सूत्र के अनुसार इनके आठवें राशि को भी देख रहे हैं, मतलब अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखने का प्रयास करेंगे तो आत्मकारक ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर और उसके अष्टम भाव को भी शनि के द्वारा प्रभावित करना, ये एक शोध आया था भारतीय उद्योग में 2011 में कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर जब होता है या उसके आठवें भाव से जब गोचर होता है या उसके दसवें भाव से जब गोचर होता है तो जीवन में मृत्यु का होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मकारक मुक्ति का दाता भी माना गया, मुक्ति भी देता और बंधन भी देता है, ये सब आप जानते ही हैं। तो कुल मिला के जो कल घटना घटी, हालांकि बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आत्मकारक ग्रह के ऊपर से शनि के गोचर ने इनको मृत्यु को दी है। कुछ लोग तथाकथित विद्वान ये भी बोलेंगे कि मंगल के ट्रांजिट वगैरह, लेकिन मंगल का ट्रांजिट तो औसतन हर 2-3 सालों में अपनी ही राशि से घूमता ही रहता है, लगभग 50 दिन का गोचर होता है। इंटरेस्टिंगली एक बात और भी थी कि कल ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया था, जो इनका लग्नेश था और लग्नेश अष्टम भाव में गया, तो ऐसा तो पहले भी कई बार हुआ होगा, लेकिन ये एक वजह मुझे नजर नहीं आई कि इसकी वजह से हम कह देंगे कि भाई लग्नेश अष्टम में गया तो मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो सभी मेष लग्न वालों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो अनुभव में देखा गया या जो शोध में देखा गया कि आत्मकारक ग्रह का ग्रह के ऊपर से शनि का गुजरना जब भी होता है या उसके आठवें घर से गुजरना जब भी होता है या उसके दसवें घर से गुजरना जब भी होता है तो इंटरेस्टिंगली मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। और ऐसे में बहुत सारे शोध में हमने देखा है, ये महात्मा गांधी की पत्रिका, जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका में भी ये सूत्र लगा है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ एक बात और भी हम अनुभव में देखने में देख पा रहे हैं कि साढ़े साथी का प्रभाव चल ही रहा था, वो सब आप जानते ही हैं, और चंद्रमा के ऊपर से अगर हम देखें तो शनि का गोचर तो चल ही रहा था, लेकिन वो तो पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, क्योंकि साढ़े साथी तो 7.5 वर्ष की होती है, तो वो भी वजह नजर नहीं आई है। और क्योंकि मंगल का शनि से संबंध गोचर में बना हुआ था और इनका जन्मकालीन मंगल के ऊपर शनि चल रहा है, आत्मकारक ग्रह ऊपर भी चल रहा है, तो ये दुर्घटना से संभवता मृत्यु योग बताता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ ये सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने जो कुंडली देखी वो परफेक्टली इनको मैच करती है और वो ये बता रही थी कि ये इस लेवल के व्यक्ति होंगे और इनको इस कारण की वजह से मृत्यु की प्राप्ति हुई है। अब हो सकता है कुछ लोग उसको पोस्टमार्टम ज्योतिष भी समझे, लेकिन मेरा एनालिसिस सिर्फ ये बताने का था कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर से यदि शनि का गोचर होता है या उसके आठवें भाव से शनि का गोचर होता है या उसके दसवें भाव से शनि का गोचर होता है, क्यों? क्योंकि आठवां घर तो मौत का ही है, आप जानते हैं, और दसवां घर कर्मों की समाप्ति बताता है, यानी आत्मा को आप कर्म नहीं करने हैं तो मृत्यु के योग बनते हैं, और ये परफेक्टली इस एग्जाम्पल में फिर से लिखने का आया। इसके अलावा 2011 में शोध की गई थी भारतीय उद्यान में, उसमें भी हमने बहुत सारी कुंडलियां करीब 20-25 कुंडलियों में ये लगाया था और ये सटीकता से सूत्र काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।